अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाका निवासी आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ उसके परिवार समेत घर में घुसकर दबंग युवक द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता पिछले कई दिनों से पुलिस और राजनेताओं के द्वार पर न्याय के लिए चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़ित जॉनी माहौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को उसके साथ एक दबंग युवक बंटी गुप्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर मामूली कहा सुनी पर मारपीट कर दी। उसके बाद उसके घर जाकर अभद्रता की और परिवारजनों के साथ भी मारपीट की, जिसकी शिकायत वह थाना दिल्ली गेट में दर्ज करा चुके हैं। बावजूद उसके आरोपी युवक की भी अभी ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई अन्य कार्यवाही सामने आई है। पीड़ित ने अब जाकर बीजेपी के पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वार पर न्याय के लिए गुहार लगाई है। इस मामले पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा है कि 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास ले जाएंगे, जिससे कि उसकी मदद हो सके। हालांकि दूसरे पक्ष को वह नहीं जानती है। आपका नाम जॉनी माहौर है। जॉनी के क्या मामला लेके आज आप एक्स महापुर के मामले में कहते बंटी गुप्ता के मामले को लेकर आए थे। आज बंटी गुप्ता की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं आरएसएस में संघ का कार्यकर्ता हूँ। उसके अभी मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र भारती से अभी हमारी मुलाकात हुई थी, वो ये कह रही थी कि आप सुबह सुबह आ गए और क्या नाम है त्यौहार का टाइम है, मुझसे 7 बजे मिल रहा है। जिस साथ ही उन्होंने मुझसे बोला है और मुझे बोली है अगर तुम मैं उसके उसको बंटी गुप्ता को मैं जानती नहीं हूँ, अभी तक मुझसे मिली भी नहीं है। और क्या नाम है अब उसको 7 बजे मिल रहा है और उसने कहते हमसे बोलती है। मैम एक मामला आपके सामने आज आया है, क्या है वो पूरा? देखिए 2 पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ है, FIR भी हो गई है और मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। हाँ इतना ईश्वर को मैं साक्षी करके कहूंगी, जो मावर पक्ष का दूसरा पक्ष है उसको मैं रियली नहीं जानती, कहाँ घर पर कहाँ उनका घर है क्या है, और ना वो पक्ष अभी तक मेरे पास आया है दूसरा पक्ष। ये लोग आए हैं मेरे पास क्या कार्रवाई कराइए, तो मैं मतलब बिल्कुल कार्रवाई के लिए इन सब करूंगी। मेरा मतलब रियली मतलब कोई अभी दूसरे पक्ष को नहीं जानती मैं कि दूसरा पक्ष कौन सा है क्या है कहाँ रहता है क्या है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है अभी पूरा। अभी इन लोगों की जो FIR हो गई है, इनका कहना ये है कि इनको कहीं से भी वो नहीं मिल रहा है, तो क्या आगे तो मेरा शाम को बुलाया है इनको और इनकी बात मैं पूर्णतः सुनूंगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो पहले मैं पूजा करके और फिर मैं शाम को इन लोगों की सुनूंगी। ठीक।